गायत्री मंदिर में हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये आप पूरी वीडियो में जरूर देखें। तो इसीलिए इस समय हो सके आप टाइम मैनेजमेंट करो। इसने आइडिया दिया ब्लॉग पर संपर्क करना माता पिता हमारा है, हम अभी गायत्री मंदिर में है और इसके भाई का बर्थडे है, हमें भी बर्थडे से उनको आप सम्मान करना है, उनसे हमको ये हर साल आपको रिपीट होना रहेगा। जन्मदिन हर साल आता रहता है और हर साल आप ये चीज करते हैं। अरे आप क्यों किस लिए देखो आपका जीवन कितना बढ़िया हो जाए। कृष्ण भगवान का जन्म, राम भगवान का जन्म, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, देखो कितने अच्छे से हर्षोल्लास के साथ पूरे दुनिया हिंदू धर्म के लोग हम लोग मनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे अपने बच्चे को जन्मदिन के दिन में केक बढ़िया सा लाते हैं और उसके ऊपर में मोमबत्ती जला देते हैं, उसको मुंह से हवा निकाल के थूक के उसको हम लोग थूक देते हैं और केक काटते हैं, नाम के आगे बोलते हैं कि नाम के आगे केक काटना है, ऐसे करते हैं। सरासर हम लोग दूसरे देशों को अनुकरण करते हैं, उनका भावना अलग है, हमारा भावना, हमारा ऋषि परंपराओं का भावना अलग है। आज देखिए इतने सारे दीपक हैं, दीपक जलेंगे अर्थात आपका जीवन उज्ज्वल होगा, दीपक की तरह रोशनीमय होगा, तेजोमय होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग दीपक रखते हैं और उसमें कुछ मिष्ठान भी हम लोग रखते हैं। केक काटना बच्चों को अच्छा लगता है, आनंद आता है, केक काटो घर पर जाके केक काटो, उसमें नाम नहीं रखना है और कैंडल भी नहीं रखना है, ऐसे केक काटो खाओ पड़ोस में खिलाओ, है ना, ओके। बोले गायत्री माता की जय। चलिए अब हम लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लो, सभी की माता का अक्षत पुष्प आप ले सभी के माथे पर अक्षत पुष्प का वर्षा हो रही है, सभी को भावना यह करे कि भगवान का आशीष आशीर्वाद मिल रही है। ओम भद्रम कर्णे शिर्याम देवा भद्रम पक्षमक्ष वीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवा ध्वंसस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। बेटा कलश का जल ले लो, छोटा सा देखो लोटा है, सभी के माथे पर जल का सिंचन हो रही है, भावना ये करें हम शरीर से मन से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिव यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः तु चंदन धारणम्। अब देखिए चंदन है ना, गायत्री मंदिर में मेरी एक फ्रेंड है, उनके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो फिर हम लोग ने तिलक लिया अपने सर पे लगाने के लिए और फिर मंगलम करुणा मंगलम मंगलम कुंडली का
और ये हमारा देसी प्लेट जो कि आजकल बहुत फैंसी चल रहा है, पर ये हमारा बेस्ट है।